हेलो गाइस, रवि एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विथ मी। सो गाइस, अभी मैं आया था टायर डालने के लिए यहाँ पे MRF के शोरूम में। ये प्रेम टायर्स करके है। To leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, back my life inside a cup. Govandi ka road hai, wahan pe hai. To abhi maine tyre khareed liya hai. Main aapko dikhata hu maine tyre ko, jo usne chain nikal liya, andar ka tyre replace kar diya. Chalo, abhi dekh. So, पीछे का टायर तो हो गया है, अभी आगे का चेंज कराने लेके गए वो। और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैंने कौन सा मॉडल पीछे लगाया और कौन सा आगे लगाया है, और मेरा टोटल दोनों कॉस्टिंग कितना हुआ है, तो मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा वो चीज़। टायर यूज किया है MRF Revz 130 सेक्शन, और आगे का चूज किया है MRF zapper 100 सेक्शन। तो ये मैंने Revz वाला क्यों यूज किया, zapper क्यों यूज किया, दोनों के पीछे एक रीजन है। वो है कि Revz वाला टायर जो मोस्टली R15 में यूज होता है और यामा की जो भी बाइक है उसमें यूज़ होता है, तो मैंने इसीलिए मैंने ये वाला यूज़ किया क्योंकि इसका ज़्यादा ग्रिपिंग बहुत अच्छा है और रियर का ज़्यादा से ज़्यादा टायर स्किड होता है। इसके पहले मेरा TVS का यूरो ग्रिप था, वो बहुत गंदा टायर है, मेरे को पर्सनली बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। MRF का टायर इसीलिए यूज़ किया क्योंकि बजट में है। टोटल मुझे कॉस्टिंग 5000 हुआ और अच्छे से पूरा मैंने बात किया, सॉरी मैंने बहुत अच्छे से जो सर थे उनसे मैंने बोला कि आप कैमरे के सामने बात कर सकते हो क्या, वो बोलते हैं कि नहीं कर सकता, और आपको वहाँ पे जाना है तो श्योरली जाइए, और जाने के बाद मेरा नाम लीजिए, मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, बट आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, मैंने उनको बोल के रखा है MRF में जो गोवंडी वाला रोड है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक, और ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, सारे है मैंने सोच के रखे हैं, और मैं श्योर शॉर्ट बनाऊंगा ये वीडियो। बहुत टाइम हो गया मैंने, आप लोगों को बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरे से, मुझे बहुत लोगों के टेक्स्ट आते हैं, इंस्टाग्राम पे DMs आते हैं। सो गाइज प्लीज़ बुरा मत मानना, अब से मैं डालूंगा, और ये टायर आप खुद से ट्राई करके देखिए, रिकमेंड करता हूँ मैं खुद से। अभी इतने जल्द ये वीडियो को मैं 2-3 दिन एडिट करके डालूंगा, उसके बाद आप मेरे बर्नआउट का भी वीडियो देखना, मैंने बर्नआउट कैसे किया है टायर का, पूरे टायर की धजिया उड़ा दी TVS का। वैसे भी बहुत घटिया टायर था TVS का, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा TVS, आप MRF जाइए। मैं इसका एक स्पेशली डीप अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम यूज करने के बाद 1-2 वीक्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि Revz और यूरो ग्रिप का टायर का ग्रिपिंग कैसा है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक, सब्सक्राइब।